नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके वॉइस नोट्स लेके। आप लोगों ने अनुपमा की आज की कड़ी पे जो जो कुछ कहा है और एक दूसरे को जो भी मैसेज दिया है वो आज इस एपिसोड में है। तो शुरू करती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिस नंबर पे आपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनते हैं सबसे पहले वर्षा जी का ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सभी सखियों को मेरा ढेर सारा प्यार सादर नमस्कार। अंजू मैम, कुमुद मैम, वर्षा मैम, मनीषा मैम, ख्याति मैम, आप सभी को मेरा बहुत सारा ढेर सारा थैंक यू सो मच। आप सबकी बर्थडे की विशेस के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए मैं आप सबका बहुत 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 थैंक यू करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू सो मच इतनी सारे विशेस के लिए। ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले भी जैसे एक बार अंजू जी से कहा था कि ये एक परिवार ही है, ऐसा लगता है। और वाकई में ये मेरा परिवार ही है कि सब ने मुझे बर्थडे विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, मैं कल भी नहीं बात कर पाई, परसों भी नहीं कर पाई। और अंजू मैम ने जैसे सही कहा था कि पार्टी और मतलब अपने उस बर्थडे पे बिज़ी होंगे, तो हाँ मैं बिज़ी थी और कल भी थोड़ा सा बिज़ी थी। आज मैं बात करना चाहूँगी अनुपमा के बारे में। अनुपमा में जो फेस चल रहा है, जैसा कि हम जो पब्लिक वॉइस बना रहे हैं तो बहुत सारे मतलब चैप्टर हो गए हैं अनुपमा पे, बहुत सारे खुलासे हो गए हैं। मालती देवी का, डिम्पी का, काव्या का, बरखा का, अंकुश का, मतलब इतने सारे चैप्टर ओपन हो चुके हैं अनुपमा में एक साथ कि मतलब इंटरेस्टिंग भी हो गया अनुपमा काफ़ी। ये सच बात है कि हमने जैसा डिस्कस किया था, जैसा कि मैंने अपने परसों के पब्लिक वॉइस में बोला था, वही सारी बातें है ना, क्या नाम से कल के सीरियल में हमने को देखने को मिली और परसों भी देखने को मिली, कि जिसमें अंकुश भी बोलता है, अनुज भी बोलता है बरखा को कि तुम अनुपमा को बीच में क्यों ला रही हो, पा भी बोलती है अनुपमा को बीच में क्यों ला रही हो ये। और बार मैंने जो बात कही थी वही बात कही अनुज और अनुपमा में कि भाई भाभी ये दोनों आप दोनों पति पत्नी का मामला है और आप लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए और आप लोगों को सुलझाना चाहिए, हम इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे। जैसा कि मैंने अपने ऑडियो में ये बात परसों ही कह दी थी और वही बात सामने आ गई अनुज और अनुपमा दोनों ने कहा। लेकिन अनुपमा ने अपनी बात भी कह दी कि बाद में जब ज़्यादा कलेश होता है, जैसे कि दिखाया था कि कलेश होगा, अधिक जाके जो है वो रोमिल की ना ग्रीवान पकड़ेगा, उससे लड़ाई झगड़े करेगा और सब वहाँ पहुँच जाएंगे तो बोलेंगे हम तो डिसीजन सुबह तक करना चाहते थे पर आप लोग नहीं मान रहे, तो बरखा कहेगी नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे तो अभी डिसीजन सुनना है। तो अनुज अनुपमा ये डिसीजन सुनाते हैं कि रोमिल इसी घर में रहेगा, रोमिल कहीं नहीं जाएगा और बाकी जो है वो कल डिस्कस करेंगे, पर आज यही है कि रोमिल इसी घर में रहेगा और भैया भाई भी कहीं नहीं जाएगा। अनुज ने कह दिया जितना घर ये मेरा है उतना ही भाई का भी है, तो भाई और कोई भी कहीं नहीं जाएगा और रोमिल भी यहीं रहेगा, ये डिसाइड हुआ। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रही थी कि सबका समय आता है अंजू जी, जैसे मैंने कहा था कि कर्मा इज़ बैक। और आपको कल के एपिसोड में जो हमने कमिंग अप देखा उसमें भी हमको ये देखने को मिलने वाला है कि वनराज जो है वो वहाँ से निकल के और ना अनुपमा से मिलने जाएगा, फ़ोन करेगा इतनी रात को और अनुपमा के घर के बाहर खड़ा है और अनुपमा वहाँ जाएगी और वनराज अनुपमा से पूछेगा कि तुमको मैंने जब धोखा दिया था तुमने कैसे उस फेज से डील किया था, तुम कैसे उस चीज़ से बाहर आई थी, तुमने क्या किया था तो मुझे भी बताओ। तो अनुपमा बोलती कि मैं वो सब बातें पुरानी याद नहीं करना चाहती, दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस चीज़ से बड़ी मुश्किल से वो हुई हूँ, मैं दोबारा उन चीज़ों को याद नहीं करना चाहती। और वनराज वहाँ से चला जाएगा, अनुज भी आ जाएगा, अनुज बोलेगा वनराज इतनी रात को क्यों आया था, क्या बात हुई। अब आ गया अनुपमा क्या कहती है। लेकिन जो आज के सीरियल में हमने दो तीन चीज़ें देखी वो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। एक तो पता नहीं क्यों जो अनुपमा ने सपना ड्रीम देख रही है अनुपमा, और जो नई झलकियों में भी दिखाया जा रहा है, और ऐसा भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ घटने वाला है, क्योंकि अनुपमा की तबीयत भी ठीक नहीं है, अनुपमा पे भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ। मालती देवी का चैप्टर तो अभी उसका सॉल्व भी नहीं हुआ, और अभी दो तीन दिन से तो जो चल रहा है उसमें मालती देवी को बिल्कुल दिखाया ही नहीं है, अभी तो वही सॉल्व नहीं हुआ। और ये ना बरखा अंकुश के नाम की बिजली गिर गई, काव्या के नाम की बिजली गिर गई, अनुपमा पे इतना प्रेशर बाउंड हो गया है कि अनुपमा अपने आप को संभाल नहीं पा रही।
और अभी तक तो उसने अनुज से भी कुछ शेयर नहीं किया है काव्या और वनराज के बारे में। इधर है ना तोशु का भी कुछ चक्कर सा आते हुए दिखाया है, तोशु को भी पता नहीं क्या हुआ है तोशु को, पर ऐसा लग रहा है कि तोशु के साथ भी कुछ दोबारा फिर से घटने वाला है ऐसा दिख रहा है। और डिम्पी का तो हम क्या ही कहें, डिम्पी तो जो समर है वो डिम्पी दीवाना हो रहा है, बाने भी यही कहा कि तुझे तो डिम्पी के अलावा कुछ सोचता, क्योंकि आज तो समर ने तोशु को भी चुप किया। जब तोशु बोलने लगा डिम्पी के बारे में और उसके बारे में, तो समर को डिम्पी को डांटने के बजाय या डिम्पी को कहने के बजाय समर ने तोशु को टोका कि भाई आप प्लीज़ को ना डिम्पी को कुछ मत बोलो। और वो बात किंजल को भी थोड़ी खटकी कि मतलब तोशु क्योंकि गलत नहीं था आज। लेकिन ये हम देख रहे हैं कि डे बाय डे समर कुछ ज़्यादा ही डिम्पी के प्यार में अंधा होता जा रहा है और उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये हमको साफ नज़र आ रहा है कि इधर शाह फैमिली में भी बर्बादी शुरू होने वाली है। और अनुपमा के घर में तो खैर क्या हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं, बरखा अंकुश और अधिक और सबका। और कहते हैं ना कर्मा इज़ बैक, बरखा अधिक ने जो है पाखी को चाटा मारा और कल बरखा पे ना क्या नाम से अंकुश ने भी हाथ उठाया। यह अलग बात है कि अनुज के चिल्लाने से जो भी रीज़न रहा अंकुश का हाथ रुक गया, लेकिन नहीं तो अंकुश का भी चाटा बरखा के गाल पे पड़ने ही वाला था। तो जो करेंगे वही हमको बोएंगे वही काटेंगे, जैसे कल आप सब लोगों ने अपना पब्लिक वॉइस बनाया था और बिल्कुल सही बोला है सब लोगों ने। ये बातें जो कल बोली सब ने परसों में, परसों के ऑडियो में ही सब लगभग बोल चुकी थी। और मैं वापस से वही बात, क्योंकि अभी फेज़ ही ऐसा चल रहा है सीरियल में कि सबके कर्मों का हिसाब किताब होने का टाइम आ गया। कान्हा जी ने सबका टाइम निकाल दिया है क्या नाम से, कि अब सबका नंबर लगने वाला है, वनराज का लगा, बरखा का लगा, और अब हमको ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी डिम्पी का और समर का भी लगने वाला है। क्योंकि ये सब आफ्तों में, अभी तो ये आफ्तों से अनुपमा डील कर भी नहीं पाई है और सब चीज़ें अभी सॉल्व सॉर्ट भी नहीं हुई है। और अभी मालती देवी भी अभी तो बकाया है, तो अभी मालती देवी का भी वार होना बाकी है। और ये बिल्कुल सच कहा है जिसने भी कहा है, मैं भूल गई हूँ किसने कहा है सीरियल में, लेकिन ये सच कहा है कि समर और डिम्पी के साथ बहुत ख़तरनाक होने वाला है। मालती देवी समर का पूरा इस्तेमाल करेगी इस परिवार को तोड़ने में, अनुपमा को तकलीफ़ पहुँचाने में, और समर बिल्कुल है ना क्या नाम से वो बनेगा, क्योंकि समर डिम्पी प्रेम में अंधा हो चुका है। डिम्पी जैसे जैसे बोल रही है समर वैसा वैसा ही कर रहा है, तो समर को खुद को नहीं पता चलेगा कि समर कब मालती देवी का हाथ का हथियार बन गया अपनी माँ के खिलाफ, तो हमको नज़र आ रहा है। और क्योंकि समर एक कहना जैसे कहना चाहिए ना कि अनुपमा जैसे शाह परिवार में जब रही और वो बैकबोन रही शाह परिवार की, जब तक अनुपमा उस घर में रही वो घर कभी बिखरा नहीं, ऐसे ही अनुपमा के जाने के बाद समर की वजह से भी समर ने कभी उस घर को बिखरने नहीं दिया। उसने हमेशा सबका ख्याल करा, सबको मतलब सबकी कमजोरी वो जानता हुआ भी सबको उसने बांध के रखा और एक बॉन्ड उसने ऐसा रखा रखा था कि कभी किसी की कमजोरी, कभी किसी को उसने वो नहीं होने दिया कमजोरी को कि भाई तोशु भाई कमाते नहीं तो मैं ये करता हूँ ये करता हूँ। मतलब समर ने ऐसी चीज़ें कभी नहीं करी, उसने परिवार को बांध के रखा क्योंकि ये सब चीज़ें उसने अपनी मम्मी से ही सीखी। लेकिन अब डिम्पी नाम का वो उसके ज़िंदगी में ऐसा आ चुका है कि वो उसको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब वो धीरे 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 अपनी माँ के खिलाफ अपने परिवार के खिलाफ खुद ही खड़ा हो जाएगा। डिम्पी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डिम्पी उसका ब्रेन वॉश करती रहेगी और वो हो ही जाएगा खड़ा, ही हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अनुपमा में बहुत सारे ट्विस्ट एक साथ हो गए हैं, बहुत सारी कहना चाहिए कि अनुपमा के दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बाउंड हो रहा है। और इधर है ना क्या नाम से वनराज भी परेशान है, काव्या भी परेशान है, तोशु के साथ भी पता नहीं कुछ अनहोनी घटने वाली है ऐसा लग रहा है हमको। और समर और डिम्पी ने तो खैर अपने लिए खुद ही खड्डा खोद लिया है मालती देवी को ज्वाइन करके। और पाखी का चैप्टर हम देख ही चुके हैं कि पाखी भी अधिक के खिलाफ मुहिम जारी करने की सोच रही है और बहुत जल्दी हमको देखने को भी मिलेगी। पाखी पार्टी ख़राब नहीं करना चाहती थी, सबकी खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उस दिन कोई स्टेप नहीं लिया। लेकिन वो ये मन में धारण कर चुकी है कि जिस रिश्ते में इज्जत ही नहीं, कहते रिश्ते में प्यार कम होना वो रिश्ता फिर भी चल जाता है, लेकिन जिस रिश्ते में इज्जत ख़त्म हो जाए उस रिश्ते को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पाखी अपना डिसीजन ले चुकी है। हाँ लेकिन घर में इतना कुछ हो रहा है, अभी रोमिल नाम का चैप्टर अभी आया है घर के अंदर, तो अभी पहले थोड़ा बहुत इसी का दिखाएंगे हमको। और ये सब चीज़ें जो है ना साथ में ही सुलझेगी, क्या तार से तार जुड़ेंगे सबके घर में। जो बच्चों के चैप्टर शुरू है काव्या की ज़िंदगी में, नाजायज बच्चा क्या नाम से इनकी ज़िंदगी में, और ना इधर क्या नाम से मालती देवी ने भी बच्चों का वो उठाया है कि मैं अनुपमा के बच्चों को नुकसान पहुँचाऊँगी। मालती देवी ने खुद भी बचपन में एक बच्चे को छोड़ा है, तो ये सारे बच्चों बच्चों का ही वो चल रहा है। तो ये सारी चेन से चेन जुड़ेगी अंजू मैम, ये साफ दिख रहा है कि जो दिखा रहे हैं ना हमको,
ये सारी चेन जुड़ती हुई दिखेगी हमको। ये सारी चीज़ें ना एक के बाद एक चेन जुड़ती जाएगी और सब चीज़ें एक साथ ही जैसे उलझ रही है ना एक के बाद एक ऐसे ही हमको सुलझती हुई भी नज़र आएगी बहुत जल्दी। हम ऐसी आशा करते हैं क्योंकि एक चीज़ सुलझेगी तो एक के साथ दूसरी सुलझेगी, दूसरे के साथ तीसरी सुलझेगी। क्योंकि काव्या और वनराज का चैप्टर सॉल्व होगा, इधर है ना क्या नाम से अंकुश और बच्चे का जो दिखा रहे हैं इसका चढ़, और ये भी हमको नज़र आ रहा है आज के एपिसोड में हमको साफ नज़र आ रहा है कि अनुपमा ने जो रोमिल की रीडिंग करी है बच्चे को लेकर वो बिल्कुल सही रीडिंग करी है। रोमिल ऐसा ही बच्चा है और उसने जिस तरह का वो हो गया ना वो अपने मन की बातें करता नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी हमको देखने को मिलने वाला है कि रोमिल वो भी बच्चा हो जाएगा कि जिसका जो अनुपमा से एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करेगा आगे जाके, ये हमें साफ नज़र आ रहा है सीरियल में। और ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने वाली कि ये किसी को खुद से परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको कोई तंग करता है तो ये किसी को छोड़ेगा अभी नहीं। ये बच्चा हमको वैसे समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। मतलब अभी अनुपमा में सारे फेज ओपन हो गए हैं, सब तरफ से चारों तरफ से अभी अनुपमा घिरी हुई है एक तरह से। अब अनुपमा इन सब चीज़ों से कैसे डील करती है, कैसे बाहर आती है, कैसे सारी चीज़ों को सॉर्ट करती है, क्योंकि सीरियल का नाम ही अनुपमा है तो सब चीज़ें अनुपमा को ही हमको करते हुए देखने को मिलेगा। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हमको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। अप्स एंड डाउन्स तो हम देखेंगे हम देख भी रहे हैं, लेकिन ये कि चीज़ें सॉल्व भी होगी ये भी सच बात है, ये भी हम आशा करते हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहती थी, आज का मेरा मिला जुला ही वो था क्योंकि सब चीज़ें सबके बारे में एक साथ हो रही तो सबका मिला जुला ही मेरा वो मतलब व्यू था आज का जो मैंने रख दिया आप सबके सामने। अंजू मैम अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो भी मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अगर मैंने जो कुछ भी कहा उससे आप सहमत हैं तो अपनी विशेष टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपका कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है तो ज़रूर बताइएगा। आज के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच अंजू मैम, और मेरी सभी बहनों को एक बार सबको थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सब ने मुझे ढेर सारी विशेस दी बर्थडे की, मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ और आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना प्यारा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच बरखा, और अच्छा लगा आपने अपने जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाया और आपने पार्टी शार्टी की, अच्छा लगा सुन के। बाकी आपने कहा है कि मैं टिप्पणी दूं तो मुझे आपका ऑडियो अच्छा लगा, और जो तोशु वाली बात आपने कही है कि तोशु को कुछ हुआ, वो ये जो जितना मैं समझी हूँ कि जैसे कि आपने देखा समर के रूम में फोटो टूटती है, पाकी के फोन पे सब्जी या जो भी चटनी वगैरह गिरती है, वहीं पे तोशु का भी दिल डूबता है। तीनों बहन भाइयों को एहसास होता है कि समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, तो उसमें तोशु का दिल डूबना मतलब तोशु को कुछ अनइजी फील हुआ, जैसे कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने कहा कि ये क्या फीलिंग है। तो वो फीलिंग थी तोशु की, तोशु ऐसा बीमार होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो बाकी आपने अच्छा बोला है सबके बारे में, एपिसोड के बारे में, और आपकी बहनों को आपका थैंक यू बहुत अच्छे से पहुंच गया होगा, तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, मेरे जज्बे को बढ़ाने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जी, आपने मेरी तारीफ की, सैल्यूट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, समझ में नहीं आता है कभी कभी कि क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए, कन्फ्यूजन सा हो जाता है। बरखा की ये बात सही है, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका नाजायज बेटा उसके साथ रहे। अंकुश यहाँ इतनी बहस कर रहा है अपने बेटे के लिए, रोमिल की माँ क्यों भाग गई इसको छोड़कर, उससे क्यों नहीं पूछा। और अंकुश की यह बात गलत है कि वो अपने नाजायज संबंधों से जो बच्चा हुआ उसकी तुलना अधिक से कर रहा है। अरे अनुपमा मैडम, जब इतनी देर चुप रही थीं तो थोड़ी देर और चुप रहती, इतना अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा था अंकुश और बरखा का, हम भी सुनना चाहते थे कि क्या आंसर होता बरखा का। जब अंकुश ने कहा रोमिल एक शर्त पर यहाँ नहीं रहेगा कि मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, तपाक से अनुपमा मैडम बोल पड़ी। शाह हाउस में बरखा अंकुश को लेकर सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उस पर बा का कहना कि कल को हमारे यहाँ काव्या ऐसा करे तो क्या वनराज उस बच्चे को पाल लेगा। सब बातें सुनकर वनराज को अनुपमा को दिया धोखा याद आ गया। कह रहा है भगवान इसी जन्म में सारे हिसाब किताब पूरे कर देता है। बिल्कुल सही है मिस्टर शाह, अब पता चल रहा है धोखा कैसा होता है, कैसा लगता है जब कोई धोखा देता है। कह दिया मैंने जो बोया था वही काट रहा हूँ,
बरखा का कहना सही है कि धोखे की निशानी को साथ रखकर तिल तिल मर जाऊंगी। बरखा को छोड़ो, कोई भी औरत अपने पति के धोखे की निशानी को साथ नहीं रख सकती। बरखा बुरी है, बात सही है, इसलिए हम सब बहनें कहते हैं कि अंकुश ले आए अपने बच्चे को, पर यह बहुत गलत है। वी की चुप्पी काव्या को समझ नहीं आ रही है। वनराज शाह, अब घुट घुट कर जियो, झेलो काव्या की बेवफाई। पा ने अच्छा ताना मारा डिम्पी ड्रैगन को, मज़ा आ गया। डिम्पी ने तोशु को ताना मारा तो तोशु डिम्पी को कुछ कहना चाह रहा था तो जोरू का गुलाम समर तुरंत बोल पड़ा कि डिम्पी हर बार गलत नहीं होती। यह सुनकर डिम्पी बहुत खुश हो जाती है। बाकी बात को भी समर इग्नोर कर देता है। तोशु ने सही कहा, मालती देवी अनुपमा के खिलाफ ही काम करेंगी। तीनों भाई बहनों की पिक गिर गई। कान्हा जी का इशारा है ये कि कुछ गलत होने वाला है। उधर पाखी को भी इशारा हो गया है कि कुछ गलत होने वाला है। अनुपमा ने रोमिल को रख कर अच्छा नहीं किया, एक और मुसीबत को बुला लिया है। पहले माया, फिर डिम्पी, अब ये रोमिल। प्रीकैप में देखा, वनराज अनुपमा के पास गया है और पूछ रहा है कि तुमने मेरा धोखा कैसे बर्दाश्त किया था। पता चलता है जब कांटा पैर में लगता है अपने पाँव में, तब अनुपमा का सही जवाब इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। ये बात सुनकर वनराज चला जाता है। अनुज परेशान है कि वनराज इस वक्त आया था। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और आपकी एक बात मुझे सच में सबसे ज्यादा इसमें अच्छी लगी जो आपने कहा, और वो मेरी भी इच्छा थी कि जब अंकुश ये कह रहा था कि अगर रोमिल गया तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, और बरखा उसके बाद क्या कहती है वो सुनना बड़ा जरूरी था, क्योंकि उसका रंग तो पूरी तरह से उड़ गया था, मगर अनुपमा ने बीच में आके सब कुछ शांत कर दिया, तो ये थोड़ा सा अधूरा लगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, बाकी बहुत अच्छे से आपने अपनी बातें रख दी है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना, और मेरे सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और महिमा, प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखो। तुम सच में कल तुम बहुत गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा मत किया करो। और तुमने कहा था कि सब कुछ आधा आधा मेकर्स छोड़ देते हैं। तुमने अनुज और अनुपमा के रेस्टोरेंट की बात की थी जब वो दोनों पार्टनर बने थे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी खुल चुका है। जब वो हनीमून से वापस आते हैं मुंबई से अहमदाबाद, तब और उसके बाद भी जब उनके घर का वास्तु पूजन होता है, उसके दूसरे दिन अनुज अनुपमा से कहता है कि तुम्हारी दोस्त देविका का फ़ोन आया था और कह रही थी कि रेस्टोरेंट की डेडलाइन जल्द से जल्द फिक्स करो, नहीं तो वो यहाँ आके मेरे बीवी को उठा के लेके चली जाएगी। इसलिए वो रेस्टोरेंट ऑलरेडी खुल चुका है। और सच में को मुझे आपने कल कहा बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मेरे मरने पर अगर मुझे तिरंगा उड़ाया जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। सच में अंजू, सच में कुमुद जी अच्छी लगी आपकी वो बात, और आपने जो कोविड में ड्यूटी की उसके लिए भी प्राउड ऑफ यू। और अंजू जी, पता नहीं क्यों था आज सुबह जो आपने बरखा के बारे में कहा, रिव्यू दिया, और उसके बाद मैंने मेरे मन में भी एक ही बात आई जब बरखा ने ये कहा कि अनुपमा महान है, अनुपमा देवी है, लेकिन उसके पति के धोखे को वो भी उसने भी बर्दाश्त नहीं किया और उसने उसे छोड़ दिया। हाँ, अनुपमा ने धोखे को बर्दाश्त नहीं किया और उसने वनराज से डाइवोर्स ले लिया, लेकिन तुमने क्यों नहीं दिया लिया अंकुश से डाइवोर्स, तुम भी ले लेती, तब तुम तो पढ़ी लिखी समझदार, और तुम्हारा तो बुटीक भी चलाती थी ना तुम US में, फिर अपने पैरों पर खड़ी क्यों नहीं हुई जैसे अनुपमा अपने पति से तलाक लेने के बाद अपने पैरों पर खड़ी हुई, गिरी पड़ी कुछ भी किया, लेकिन फिर भी वो उसने हिम्मत नहीं आ रही और अपना डांस अकेडमी खोली। तुमने कुछ क्यों नहीं किया बरखा? और सच कहा आज तो अंकुश ने भी कि मैं
अगर मेरा बेटा इस घर से जाएगा तो एक शर्त पे कि मैं भी उसके साथ चला जाऊंगा। तब बरखा और औधिक के होश उड़ गए। क्यों बरखा रानी, अगर अंकुश चला जाता तो तुम्हें भी जाना पड़ता, क्योंकि ये घर, ये प्रॉपर्टी, ये अंपायर सब कुछ तो अनुजर अनुपमा का है। तुम्हारा है ही क्या, तुम्हारा तुम्हारे भाई का है ही क्या? तुम दोनों तो रास्ते पे आ जाते ना। अभी भी खुद का ही सोच रही, इतनी सेल्फिश औरत है कि अभी भी खुद का ही सोच रही है। कुछ तो शर्म करो परखा। बहुत अच्छा सही जवाब दिया अंकुश भाई ने आज़ादी को, कि 15 साल पहले मैं भी वैसे ही करता, तुम्हें हॉस्टल, तुम्हारी बहन को कह देता कि इसे हॉस्टल में छोड़ के आ जाओ, तुम आ सकते हो लेकिन तुम्हारा भाई नहीं आ सकता। तब तो वनरा अधिक का मुंह ही बंद हो गया। भले ही तुम बरखा के भाई थे लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है, उसे पढ़ाया लिखाया, ये सब तो अंकुश ने ही किया है ना। भाई और बहन कभी नहीं सुधर सकते। और सच कहा, काव्या भी परेशान है वहाँ पे, और आज सच में जो सपना अनुपमा को बार बार आ रहा था वही बात आज बाकी समर और तुसु के साथ हुई। जिस तरीके से समर के कमरे में उन तीनों भाई बहन के फोटो खींचना, यहाँ पे वो कुछ बना रही थी बाकी वो उसके फोन पे गिरना, और तुसु को भी जैसे एकदम उसके दिल में दर्द उठता है, तब वो सोचता है क्या हो रहा है, सच में बहुत बड़ी बात होने वाली है, कुछ तो अनहोनी होगी। और सच कहा वनराज का गिल्टी तो है ये, और गुस्सा भी है, जो गिल्ट पे गुस्से पे गिल्ट हावी हो गया, ना अच्छे से गुस्सा कर पा रहा है ना ही अपने गिल्ट को छुपा पा रहा है। कहता है अनुपमा से जाके कि तुमने मेरे धोखे को बर्दाश्त कैसे किया। अब समझ में आया वनराज शाह कि जब इन हम अपनी पत्नी को धोखा देते हैं तो कैसा लगता है। आज काव्या ने धोखा दिया तो आपको समझ में आया, अभी तक तो नहीं समझ में आया था आपको, सीना तान के चल रहे थे ना आप। अब सही कहा बा ने कि तुम्हें मालती देवी से, मालती देवी के पैर, हाँ पैर, पैरों की चाकरी जो करने जाना है, पैर धोने जो जाना है। अब तुसु ने बिल्कुल सही कहा कि मालती जी समर को मम्मी के अगेंस्ट ही यूज़ करेगी, ये बात सच है। लेकिन समर तुम कितने बदल गए हो, आज तुम डिम्पी का साथ दे रहे हो, बहुत पछताओगे समर, बहुत पछताओगे। लेकिन मालती देवी, सच कहा अंजू जी आपने, कि मालती देवी ऐसा कुछ ना कर ले अनुपमा के बच्चों के साथ कि वो भी जिंदगी भर पछताए। और आज जिस तरीके से अनुपमा ने रोमिल का साथ दिया, जब अधिक कहता है कि मम्मी आपको ये कोमल लग रहा है, इसका एटीट्यूड देखा आपने, तब वो कहती है कि इस उम्र में सभी बच्चे कोमल ही होते हैं, चाहे उसके हाथ, तुम ही देखो उसके हाव भाव, उसकी स्टाइल, उसका एटीट्यूड के पीछे वो अपना दर्द छुपा रहा है। सही कहा आपने कि एक ना एक दिन वही अनुपमा के सामने रोएगा रोमिल, क्योंकि वो सबको ऑब्जर्व कर रहा है। और इन दोनों के तो नाक में दम करना ही चाहिए, तभी ये बरखा रानी सुधरेगी, नहीं तो ये कोई सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा अंजू जी आपने। और एक बात कहना चाहती हूँ अंजू जी, कि जब बरखा यहाँ आई थी, तब एक बार जब अनुपमा डांस अकेडमी अपनी जा रही थी, तो तुम अपने डांस अकेडमी चलाती हो, हाँ मोनी मेरी एक छोटी सी डांस अकेडमी, लेकिन तुम तो इतने बड़े परिवार की बहू हो, इतना बड़ा अनुज का बिजनेस है, फिर तुम ऐसी छोटी सी डांस अकेडमी क्यों चला रही हो। तब वो कहती है कि भाभी हाँ मैं हूँ बड़े बड़े अनुज की बीवी, इतने बड़े कपड़े एम्पायर के माल के, लेकिन फिर भी मुझे अपना खुद का, खुद पे गर्व है कि मैं अपनी डांस एकेडमी चलाती हूँ। और तब बरखा के मन में आता है कि मैं भी अपना कुछ करूँ,
तब वो एक बार अनुपमा से कहती है, अनुपमा मैं घर में बैठे बैठे बोर आ जाती हूँ, तो मुझे मेरी वहाँ पे यूएस में थी, वहाँ पे मेरी एक बुटीक चालू थी और वहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड है, लेकिन यहाँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपना कुछ, अपनी छोटी सी बुटीक जो स्टाइल मुझे स्टाइल के हिसाब से मैं कपड़े वगैरह सब करती थी। तो अनुपमा कहती है, हाँ भाभी सच में आपकी स्टाइल बहुत अच्छी है, तो आप कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन बना के मुझे शाम को दिखा दीजिए, मैं आपको फिर प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो वो परखा रानी को झटका लगा था उस टाइम अंजू जी, जब अनुपमा वो ये सब बोल के चली जाती है, वह अधिक भी वहीं पे खड़ा रहता है, तब अधिक को कहती है कि ये अनपढ़ गवार मुझे सिखाएगी कि प्रेजेंटेशन दो, मैं इसको प्रेजेंटेशन दूँ, यानी कि ये जब से आई तब से यही जता रही थी कि मैं कपड़े एम्पायर, मैं हूँ इस बिजनेस में हकदार और मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मैं करूँ तो चलेगा लेकिन मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, और आज तुम्हें अनुपमा का साथ चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए अनुपमा का साथ, तुमने कब अनुपमा का अच्छा किया हुआ है, पाखी को यूज़ किया, डिम्पी को यूज़ किया, यहाँ तक कि माया को भी, तुम्हें सबको यूज़ करना आता है बरखा रानी, लेकिन खुद कुछ भी नहीं कर सकती तुम, लेकिन अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, क्या अच्छा फैसला सुना दिया, लो तुम्हें अभी के अभी फैसला चाहिए, मिल गया फैसला, सुना दिया अनुज कपाड़िया ने फैसला कि ना तो भाई इस घर से जाएगा और ना ही रोमिल, ये रोमिल यही रहेगा, अनुपमा ने भी कह दिया कि ये बच्चा यही रहेगा, उसका भी इस घर पे हक है और अंकुश भाई का भी इस घर पे हक है, क्या बात है अनुज कपाड़िया। अब देखते हैं अंजू जी कल क्या होता है, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, अंजू जी मैंने क्या कहा उसके ऊपर प्लीज़ मुझे राय दीजिएगा, और प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, आप कल ने सॉरी कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, हो जाता है कभी कभार, लेकिन आपने फिर से कल 2 और 3 अगस्त का डाल दिया ना पब्लिक वॉइस, अच्छी सही तो किया है आपने, फिर प्लीज़ आप आज के बाद सॉरी कभी मत कहिएगा, थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरे सभी प्यारे बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और वर्षा तुम्हें भी थैंक यू, तुमने भी कल मुझसे जो कहा नानी बनने के लिए मुबारकबाद दी उसके लिए थैंक यू, मेरी सारी बहनें अपना ध्यान रखें, और महिमा तुम भी अपना ध्यान रखो, अंजू जी थैंक यू सो मच, ऐसे ही हंसते रहिए, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने जैसा हमेशा करती है वैसे ही आपने पुरानी बातें पुराने सीन्स को बता के और ज्यादा अनुपमा धारावाहिक के बारे में क्लैरिटी दे दी है, थैंक यू सो मच। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना ऑडियो एक बैलेंस पे अगर भेजे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कभी कभी इतना लो चला जाता है कि सुनाई नहीं देता है, और कभी कभी इतना ऊंचा, कभी कभी नीचा, बीच बीच में चलता रहता है, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करके अगर कर सके, जैसे एक ही जगह पे मोबाइल को रख के आप अगर अपना ऑडियो दें तो ज्यादा अच्छा है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, इसका प्लीज आप ध्यान दीजिए, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार, और कौमुदिनी जी आपको आज फिर सैल्यूट करने का मन हुआ, कल जब आपने अपने ऑडियो में कहा कि मेरे मरने के समय मेरी एक ही इच्छा है कि मैं ऐसा काम करके जाऊं कि तिरंगे में लपेट के मुझे भेजा जाए, ये शब्द सुन के हमें भी आपकी देशभक्ति को के जज्बे को देखकर सैल्यूट करने को मन हुआ, और काश हम भी कुछ ऐसा कर सके जिस पे सबको नाज हो, सबको गर्व हो। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और अभी आपका वीडियो देखा कि शाह परिवार की तरफ बढ़ रहा संकट कैसे करेगी अनुपमा सामना, अनुपमा को तो बार बार ये एहसास हो रही है रहा है कि कुछ उसके बच्चों के साथ में गलत होने वाला है, और मालती देवी ने अभी उसको समर को चोट पहुंचाई है, और आज तो समर पूरी तरह से आप ही के वीडियो के हिसाब से दिखा कि समर पूरी तरह से डिम्पी की तरफ झुक गया है, डिम्पी की ही हामी हाँ मिला रहा है, तोशु को घबराहट हो रही है, और
बाकी के भी मोबाइल में तीनों भाई बहन का हंसते हुए फोटो पे कुछ सब्जी या सॉस कुछ गिर गया, ये भी मैंने आप ही के वीडियो से देखा सुना, क्योंकि मैंने धारावाहिक सिर्फ सुना था, कुछ मालूम नहीं है। धारावाहिक की शुरुआत में शाह परिवार में चर्चा हो रही थी, तो डिम्पी ने जब ताना मारा और कि भाई को कुछ लोग तो कमाते नहीं है, तब बा ने बोलने की कोशिश की तो समर ने कह दिया कि हर बार डिम्पी गलत नहीं होती है। ये सब गलत इंडिकेशन है मैम, पर खैर अब डिम्पी समर डिम्पी का हो ही चुका है तो वो अपनी पत्नी को कैसे सबके सामने गिरा सकता है। सबके सामने तो वो उसका पक्ष लेगा ही लेगा, उसको अंदर जाके बोलेगा कि ये तुम गलत कर रही हो, और वनराज का ये एक्सेप्ट करना कि शाह परिवार में चर्चा हो रही थी कि अभी तो बरखा की कोई गलती नहीं है, तब भी उसको सहन करना पड़ेगा। तब वनराज का ये कहना कि मैंने भी तो अनुपमा को धोखा दिया था, और बाद में उसके कमरे में आके उसको मोबाइल पे रिमाइंडर बजना कि पापा होने वाली मम्मी की दवाई का समय हो गया है, वो उसने मोबाइल पटक दिया, और डायपर तो हाथ में से फेंक नहीं पाया वनराज। और आधी रात को वो अनुपमा को जाके बताने गया कि अनुपमा मेरे धोखे को तुमने कैसे सहन कर लिया था। और अनुज ने देखा कि वनराज आया है, तो अनुपमा उसको बता रही है, बता दी कि नहीं बताया मालूम नहीं है मैम। और बरखा बार बार अनुपमा से कह रही है कि तुम इस बच्चे को या नाजायज बच्चे को, जब उसने कहा कि ये नाजायज नहीं है, बच्चे के बात अब हम कल करेंगे, अभी आप सब थक गए हैं जाइए, तो बरखा को अभी के अभी चाहिए निर्णय। पर तो ये क्या है मैम, ये कपाड़िया हाउस खुद का बरखा का है क्या? और अनुज अनुपमा को जब ज़रूरत पड़ी तो ये लोग महान बना देते हैं, और अनुपमा तुम न्याय की देवी हो। आज हम में से किसी को भी बरखा के ऊपर दया नहीं आ रही है मैम, क्योंकि बरखा ने इतनी ज़्यादा वो कर दी है गलत तरीके से अनुपमा के साथ। आज उसके साथ जो कुछ हो रहा है, तो वो तो पहले से जानती थी कि अनुज का एक ऐसा इस तरह का बेटा है, उसकी दूसरी पत्नी से बेटा है, तो अनुज ने तो उसके लिए ऑप्शन खुला रखा था कि या तुम तलाक ले लो या मैं वहाँ रह जाता हूँ। तो बरखा ने ऐसा नहीं स्वीकारा था, और अधिक किस हक से? आज अधिक को पता चला कि अपने रिश्तों के ऊपर चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, तो पाखी भी किसी की बहन है। अधिक, आपकी बहन को दुख हुआ तो आपको कितना दुख लगा? आप अपने जीत से कह रहे हैं कि इसे किसी हॉस्टल में छोड़ आइए, तब बहुत अच्छा है कि अंकुश ने आपको जवाब दे दिया कि मैं तुम्हें भी 15 साल पहले तुम्हारे परिवार वालों ने छोड़ दिया तो तुम्हें भी छोड़ देता था बस हॉस्टल में, तो तुम क्या करते थे? आज तुम मेरे घर पे हो, मैंने जीजा होके भी तुम्हें पिता की तरह पाला है, और मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी से नहीं मुंह मोड़ सकता, उसकी माँ चली गई है फॉरेन। और एक आज के धारावाहिक से एक बात समझ में आई, सिंगल मदर या सिंगल फादर जिस भी बच्चे को बड़ा करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो बहुत ही उद्दंड होते हैं, बहुत ही अकड़ू टाइप के स्वभाव के और बदतमीज तरह के होते जाते हैं। उनको लगता है कि वो जिद करेंगे और सब मान जाएंगे, और अधिक जब उसको मार रहा था और इस परिवार का हिस्सा नहीं बनोगे, तब उस बच्चे ने ये भी कहा कि मुझे इस परिवार का हिस्सा बनना भी नहीं है, इस परिवार के सब लोग तो सर्कस में रहने वाले जैसे दिखते हैं मुझे, मुझे तो यहाँ जब तक पैसा मिल रहा है, मंथली इनकम मिल रही है, तब तक ही रहना है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। अंजू मैम प्लीज़ आपका बर्थडे बताइएगा प्लीज़, ओके हमको आपको भी विश करना है, हम सबको आपकी विशेस मिलती है, और मेरी तरह मेरी बहुत सी बहनें भी चाहती होंगी, प्लीज़ आपकी बर्थडे बताइए, थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए, बहुत अच्छा कहा आपने। और मेरा जन्मदिन जो है 1 मार्च को होता है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, एंड आई एम वेरी सॉरी बरखा दीदी, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, मैं क्योंकि मैंने लगता है कि वॉइस नोट सुन नहीं पा रही हूँ, 2 दिन से वॉइस नोट सुनने का कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं सुन पा रही थी। एक्चुअली अपना लैपटॉप का काम हम थोड़ा ज़्यादा देख रही हूँ, वर्किंग लोड पहले है मेरा, इसी वजह से आई एम वेरी सॉरी, इसलिए कह रही हूँ कि हैप्पी बर्थडे बिलेटेड बरखा दीदी, एंड आपका दिन अच्छा रहे, शुभकामनाएँ रहे, हर साल आपके घर में खुशियाँ छाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए और आपके घर में बरकत हो और आप हमेशा खुश रहे, ये मेरी दुआएं हैं आपके साथ, और आप हमेशा आपका हमेशा शांति भाव बना रहे। थैंक यू बरखा दीदी। एंड अंजू दीदी, आई न्यू कि आपने क्या कहा कि आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अनुपमा सेट के लिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज़ का बात नहीं है, जेन्युइन जो था वो मन की बात मैंने कही थी। ऐसे तो शो बच्चों को, मैं यही चीज़ आजकल मैं उसे डांस क्लासेस में डाल रही हूँ और सिंगिंग क्लासेस में डाल रही हूँ, अब ऐसा कर रही हूँ कि बच्चे सुबह से स्कूल जाने के बाद, ट्यूशन का होमवर्क करने के बाद एक्स्ट्रा एक्टिविटी में डाल रही हूँ कि आकर सिर्फ खाना खाए और सो जाए, क्योंकि तो बच्चों को थकान होगा तो वो ऑटोमेटिकली 9:30 बजेगा या 9 बजेगा नींद आएगा ही आएगा। इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड से प्लानिंग कर ली कि नहीं इसे भेजना ही है, तो उस वजह से अब मुझे कोई टेंशन नहीं है 10 बजे देखने में, और मुझे कोई जेन्युइन अनुपमा सेट से या अनुपमा राइटर से या मेकर से ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं बहुत टेंशन हो जाती हूँ या हैस्ट हो जाती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हर स्टोरी में ये होता है, जेन्युइन बात है। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, बोलते हैं ना कर्मों की सजा मिलती ही है, कर्मा वापस आता है, तो जेनरली बरखा मैडम आपका कर्मा वापस आया है, अब आप संभल जाइए वरना बहुत देरी हो जाएगी। स्पेशली आप अनुपमा का जो प्रॉपर्टीज़ का मामला है, अगर आप सारी बातें जेनरली सही सही अपन कपाड़िया और अनुपमा को बता देते तो वही सबसे बड़ी आपकी क्या बोलते हैं, जैसे कि माया ने अपनी सारी बातें रखी कि मैं बहुत बड़ा भूल कर गई थी, इस वजह से उसने माफ़ी मांगी पैर पकड़ के अनुपमा की और अचानक उसकी डेथ हो गई। अगर वैसे ही बरखा, हाँ जिठानी है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकती है कि मैं ये सब काम कर रही थी अनुपमा, इसके लिए हाथ जोड़ कर मैं माफ़ी मांगती हूँ, तो शायद भगवान भी आपको माफ़ कर दे। वो कहते हैं ना कि अपना, चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो सीरियल दुनिया हो, और चाहे ऊपर के दुनिया वाले हो, वो कभी भी सच्चाई का साथ देते हैं, सच्चाई हमेशा हमेशा बनी रहती है। एक दिन आदमी झूठ बोलेगा या चोरी करेगा या कुछ भी करेगा, वो दूसरे दिन या 1 साल बाद या 6 महीने बाद या 2 दिन बाद दिखती है कि वो चोरी किया है, सामान निकला है, या मतलब कुछ भी प्रॉपर्टी का अकाउंट हेरा फेरी कर रही हैं आप और आपके भाई कर रहे हैं, तो कभी ना कभी आपको सज़ा मिलेगी, उसकी सज़ा आपको शुरुआत हो चुकी है, भगवान ने आपके साथ जस्टिस नहीं करके आपको सज़ा दे रहे हैं और आप सज़ा डिज़र्व भी करती हैं। तकलीफ़ और नाजायज़ कहना, जो सोसाइटीज़ हम लोग जैसे सोसाइटीज़ वाले लोग बच्चों को नाजायज़ कहते हैं, तो नाजायज़ बच्चों को नहीं कहा कि जाता है, नाजायज़ रिश्ते बोले जाते हैं, बच्चे नाजायज़ कहाँ से आ जाते हैं। आज एक जेन्युइन बात कह रही हूँ कि परिवार में, चाहे वो अनुपमा हो, अनुपमा परिवार में काव्या ने अनिरुद्ध के साथ रिलेशन बनाया वनराज को धोखा देकर, या वनराज के गुस्से को लेकर थोड़ा सा इमोशनली होकर, कुछ भी कर, औरत करे तो दिक्कत, मर्द करे तो दिक्कत नहीं, हाँ इसमें दोनों तरफ से ट्रायंगल है। वो इमोशनली परेशान थी काव्या, उस वजह से उसे भूल हो गई, लेकिन जो अंकुश का मैटर है उसमें ये है कि वो प्यार करके, किसी से प्यार करके उसका वो अपना खुद का बच्चा आ गया, दोनों में यही फ़र्क है। मेन चीज़ है अंकुश को, वो अपने बेटे को लेकर ही आएगा,
उसमें वो गलत नहीं किया है, वो सही किया है। लेकिन बरखा के लिए मुझे ये बात की तकलीफ है कि जब पति को समझ जाती तो गलती नहीं होती मैडम, गलती करना और उसे सुधारना नहीं, ये सबसे बड़ी भूल होती है। आज हमें ही देख लीजिए, बड़ों से कायदा से ना बात करके, समझदारी से किसी के साथ नहीं टेकल करके बात ना करने से उससे तकलीफ होती है और परिवार में सुख शांति भंग होती है। इसी वजह से अगर आप ध्यान रखती तो अंकुश भैया प्यार से टेकल, जैसे अनुज कपाड़िया अनुपमा के साथ करते हैं प्यार से रोमांटिक मूवमेंट करते हैं, वैसे शायद अंकुश भी आपके साथ वैसे ही करते हैं। लेकिन आपने तो अंकुश भैया को अपने बोलते ना कि तुमको जो बोल रही हूँ मैं वो तुम्हें करना होगा, फोर्स एंड फोस्टर करते थे, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। तो स्पेशली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को चेंज करिए ना, अधिक अपने आप को चेंज करिए। जब तक आप अच्छे नहीं बनोगे तो आगे वाले को अच्छे कैसे बनाओगे, और अपने आगे की लाइफ को आप पैसों में कितने भी खेल लें, यहाँ पे आप पैसों में खेल लें, आगे चल के आप पैसों में खेल लें या किसी को बर्बाद करके आप खुश हो जाए, लेकिन आप ऊपर जाने के बाद बोलते हैं ना घर के पास देर होती है, देर नहीं होती। यही चीज़ है कि देर करने से अगर अपने लाइफ में सुधारने से अच्छा अगर आप सुधार लेंगी तो भगवान भी आपको शायद माफ़ कर देंगे कि नहीं मुझे माफ़ी मिलना चाहिए, और भगवान जी सच में माफ़ कर देते हैं। अगर वो कोई आदमी अपनी गलतियां मानते हैं, चाहे वो इंसान के सामने ही मांगते हैं, तो भगवान भी ऊपर से देखते हैं कि नहीं वो यार सही कर रही है, माफ़ी मांगी है, तो उसे जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें सज़ा कम होनी चाहिए या पूरी माफ़ी मिलती है। लेकिन अगर आप किसी के साथ गलत करेंगी तो उसे सही नहीं होगा। मुझे एक चीज़ आज सच में बोले सीख मिली है, ये बात तो अंजू मैम को भी कहूँगी कि आपने जो बात कही कि इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, आप चैनल चेंज कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, आप अपने आप को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। ऑलरेडी मैम मैंने बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की है। हाँ, अनुज कपाड़ी अनुपमा का प्रोग्राम देखना मैं बंद नहीं करूँगी, स्पेशली नहीं बंद करूँगी। हाँ, मोबाइल में मैं पासवर्ड ज़रूर डाल दी हूँ, नया पासवर्ड में डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चे आजकल मानते नहीं हैं। अनुपमा के लिए नहीं, एक्चुअली यूट्यूब में गेम प्लान करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और डिस्कवरीज लगा के कभी कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, तो उस वजह से मैं पासवर्ड चेंज करी हूँ। और कितनी बार इसलिए चेंज करी हूँ कि कितने बार जो जिसका जिसके नाम मैंने सेटअप कर रखी है उसका कभी शॉर्ट नेम डाल देते हैं, तो वो मुझे ऑफिशियली में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से मैं पासवर्ड डाली हूँ। अनुपमा के लिए तो डाली हूँ कि बच्चे लोग ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ ना देखें, और स्पेशली अब तो मैं इसको डांस अकेडमी में और सिंगिंग में डाल रही हूँ, फुटबॉल्स में डाल रही हूँ, तो बच्चे ऑलरेडी थक जाएंगे, रात में आके जेन्युइन सोएंगे, क्योंकि हम लोग का हस्बैंड वाइफ का डिसीज़न ही यही है कि बच्चों को कोई चीज़ में डाल दें, क्योंकि ये भी 10:30 बजता है तो ये अपना न्यूज़ लगाते हैं कि नहीं आधा एक घंटा न्यूज़ देख लें उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि इनका एक है टाइम टेबल कि वो बहुत सुबह से काम करके आते हैं, थके हारे आते हैं, तो 2 घंटा अगर वो 1 घंटा न्यूज़ नहीं देखे तो उनका मन नहीं लगता है, उस वजह से वो ये करते हैं। और मेरा है कि हम सारा काम सला के 10 बजे और 8:30 बजे कथा और 10 बजे अनुपमा, ये तो प्रोग्राम मैं ज़रूर देखती हूँ। और स्पेशली थैंक यू अंजू मैम, आपने जो बात कही थी वो मैं मानती हूँ, आज से तो कसम खा रही हूँ अपने आप से और आपसे कसम खा रही हूँ कि मैं जेन्युइनली गुस्सा नहीं करूँगी अनुपमा के लिए, अनुपमा कैरेक्टर्स के लिए। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ हो ही जाती है कि मैं वैसी हूँ नहीं ना, मुझे अच्छा चीज़ अच्छा लगता है, मुझे पॉजिटिव वर्सन अच्छा लगता है, मैं नेगेटिव ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। कहीं बाहर वाले लोग भी अगर कुछ करते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है, ये मेरे माँ बाप का संस्कार ही यही है कि मैं गलत देख नहीं सकती, बहुत जनरल है। आई एम वेरी सॉरी मैम अगर। और कुमुन त्रिपाठी दीदी, ख्याति दीदी के साथ बच्चे, उनके फैमिली में किसी के बच्चे हुए हैं, उनके लिए भी मैं जनरली कहती हूँ कि आपकी बेटी हुई है या बेटा हुआ है, जनरली मैं सुनी हूँ, तो उसके लिए बधाइयाँ, स्पेशली बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। बेटी हुई है तो लक्ष्मी आई है, और बेटा हुआ है तो कृष्ण कन्हैया आए हैं या गणपति आए हैं, तो इसलिए उसके लिए शुभकामनाएँ। और कुमन त्रिपाठी दीदी, आई लव यू टू, आपका तो
मैं क्या कहूँ कि हैट्स ऑफ यू, आपने सारे अपने बच्चों को साइड कर कर, मतलब साइड भी नहीं, उस समय कोविड के टाइम पे आप जो बाहर वालों का सेवा कर कर, ध्यान करके, उनका सेवा भाव रख कर अपने बच्चे से नहीं मिल पाई, उस सबसे बड़ी सेक्रीफाइस है आपके लिए और सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्सन है जो आपने करके दिखाया। और मैं करोड़ों टाइम्स, अरबों टाइम्स आपको सल्यूट करती हूँ कि काश आप ऐसी सबका सेवा करती रहे। और स्पेशली आपने ये बात कही थी कि जन अगर मैं मरूँ तो मुझे कफन तिरंगा से मिल जाए और तिरंगा के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मैं उसके लिए भी अपना प्राण गंवा दूँ। तो मैं ये बात कहती हूँ कि तिरंगा तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन जब ऊपर जाते हैं आदमी तो मेन उसे तिरंगा कब मिलता है? जब बोलते हैं ना कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है तो उसे कुछ नहीं मिल पाता, उसे अंगारों पे चलना पड़ता है। लेकिन मैं तो आपको भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आपके पैरों में सिर्फ फूल ही फूल हो, वो मैं चाहती हूँ। और कुमुद त्रिपाठी दीदी, आप तो सच में कमाल है, बड़ी बहन की तरह जो डांट पड़ती है मुझे, समझदारी जो सिखाती है आप, मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू मैम ये समझाने के लिए। आई लव यू टू, बाय बाय एंड आई मिस यू ऑल। दीदी समनम दीदी, बरखा दीदी, ख्याति दीदी, टीना दीदी, एवन एंड मनीषा दीदी, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। आप तो सच में बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा सिखाती हैं। आप लोग को भी बोल, आप लोग का बोली आज शायद बोले, मतलब मैंने देखा है कि आप लोग बहुत प्यार से बोलती हैं और अच्छे से बोलती हैं। मैं भी अपने वर्सन को थोड़ा सा चेंज करूंगी। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए और थैंक यू सो मच समझने के लिए। और मैं यही कहूंगी कि अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो अंदर से पॉजिटिविटी को पैदा कीजिए, तब आपको बाहर की नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में बदलती नजर आएगी। मैं तो यही आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बाकी आज आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैम गुड मॉर्निंग, बहुत दिनों बाद वॉइस ये भेज रही हूँ, इसके लिए सॉरी। क्या करूँ, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं भेजा था, पर आज का एपिसोड मैंने देखा और आपके वॉइस नोट बराबर सुन रही थी, इसलिए पता चल जाता था कि अनुपमा में क्या हो रहा है। अनराज और वर्षा को तो उनकी किए की सजा मिल रही है, अच्छा है उनका ये होना चाहिए। वनराज ने रात में आके अनुपमा से ये था कि अनुपमा पे शक करेगा, अनुपमा के ऊपर उसने शक नहीं करना चाहिए। अनुपमा कैसी ही वनराज ने गलत किया अनुपमा के घर आके या उससे ये करके, फिर उसमें गिल्ट थी, उसने माफ़ी मांगी, पर वो कभी सुधर नहीं सकता, ये बात तो उतनी सही है। पर अनुज ने अनुपमा के ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए, यहाँ अगर ऐसा बताएंगे तो ये गलत बताएंगे, क्योंकि अनुपमा और अनुज दोनों एक दूसरे की दिल की बात समझते हैं और ये इस तरह से मेकर ना दिखाए, बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे तो अनुपमा के ऊपर अनुज ने शक नहीं करा, क्योंकि अनुज के ऊपर अनुपमा ने कभी शक नहीं किया। अनुज माया के साथ एक महीना ऊपर उसके साथ रह के आया, उस ये माना कि माया से अनुज का कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वो उसके घर में रह के आया, भले ही छुट्टी के लिए रह के आया, पर रह के आया ना, लोग उंगली उठा सकते थे कुछ भी, पर उसने जब उसके ऊपर विश्वास किया तो अनुज ने अनुपमा के ऊपर शक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यहाँ अगर शक करेगा तो गलत होगा, इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बहुत दिनों बाद भेज रही हूँ, इसलिए सबको बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। और आप जिस डर के साथ आप बोल रही हैं कि कहीं अनुज अनुपम पे शक ना करे, ऐसा नहीं देखना है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ये बात कुछ और होगी, क्योंकि अनुज को अनुपमा वनराज वाला सच जरूर बताएगी, क्योंकि उसको तो बताएगी ही, डेफिनेटली बताएगी, क्योंकि अनुपमा ने आज तक कुछ छुपाया नहीं है। अगर गलती से कभी कुछ छुपाया होगा तो बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक बात कहूंगी आपको कि आपके तोते की आवाज बड़ी स्वीट है, बहुत अच्छा लगता है पीछे से बोलता हुआ, थैंक यू सो मच उसको भी हमारे साथ जोड़ने के लिए, धन्यवाद रेखा जी।
ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? आपका भी अगर विचार है भेजने का, मन कर रहा है, थोड़ी हिचकिचाहट है, तो उसको दूर कीजिए, नंबर नोट कीजिए, इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा उस पे ऑडियो या फिर वीडियो भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का, और कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.